तहत भगवान शिव की नगरी वाराणसी में भारत के पहले अर्बन रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों आज किया जा रहा है। रोपवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनना शुरू हो चुका है। ये रोपवे ने खंभे, तार, अंदर बैठने के लिए कार, इतना मात्र नहीं है। ये रोपवे तेज गति से आपको बाबा के पास ले जाएगा, इतना नहीं है। इसके होने से, इस पे काम करने वाले लोगों से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, मेरे देश के 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद उन पर बरसने वाले हैं। इतिहास से पुरातन एक युवाओं का शहर जो स्वयं भगवान शिव की नगरी है, ऐसे दिव्य अनंत को प्राप्त वाराणसी शहर में जब देश दुनिया से आए श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है, तब संकरे रास्तों और पतली गलियों से गुजरकर भगवान के मंदिर तक पहुंचना एक मुश्किल कार्य बन जाता है। विश्व के इस प्राचीनतम शहर में आधुनिक आवागमन के लिए 3.85 किलोमीटर रोपवे वाराणसी कैंट से काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा और गिरिजाघर होते हुए गोदौलिया चौक तक प्रस्तावित है, जो भविष्य की विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी की जरूरत को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस रोपवे में कुल 153 गोंडोला आवागमन के लिए उपलब्ध होंगे, जिसमें प्रत्येक गोंडोला में 10 यात्री और लगभग 1,00,000 यात्रियों को दोनों दिशा में प्रतिदिन कम समय में सुरक्षित परिवहन का विकल्प प्रदान करेगा, जिससे वर्तमान में कैंट स्टेशन से मंदिर तक पहुंचने में 40 से 50 मिनट तक लगने वाले समय को मात्र 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। बुजुर्गों और दिव्यांगों के अनुकूल ये रोपवे विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पूरा किया जाएगा, जिसमें लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, बैगेज स्कैनर, ऑटोमेटिक गेट क्लोजर, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, लॉकर रूम जैसी सुविधाओं के साथ रेस्टोरेंट, सुविनियर शॉप्स, एटीएम और रेस्ट रूम इत्यादि सुविधाएं भी होंगी। सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक परिवहन को सुनिश्चित करने वाला रोपवे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के अवसर भी उपलब्ध होंगे और समाज समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। प्रधानमंत्री जी का यही मानना है कि तकनीकी और आस्था का अनूठा सामंजस्य एक महत्वपूर्ण कदम है आत्मनिर्भर भारत की ओर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने देखा कि प्रधानमंत्री ने कैसे हमारे वाराणसी में कैसे यहाँ पे गोंडोला सहित रोपवे का अनावरण किया, साथ ही साथ यहाँ पे लगभग इसका काम कंप्लीट हो चुका है और कहाँ से कहाँ तक स्टेशन बनना है और ये कितने दिनों में बन के तैयार होगा, सभी बातें आगे बताई गई। आइए अब आगे देखते हैं कि कितना निर्माण कार्य हुआ है, उसके बारे में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट को आप सभी को दिखाने के लिए। इस समय मौजूद है हम घंटी मिल चौराहा काशी विद्यापीठ रोड के पास, जहाँ पे एक रोपवे प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास कल प्रधानमंत्री मोदी जी करके गए हैं, यहीं पे सामने देख सकते हैं। ये वाराणसी रोपवे का जो कार्य है वो प्रगति पे है। राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधक लिमिटेड द्वारा ये वाराणसी रोपवे का कार्य प्रगति पर है, जो कि यहाँ पे तेज गति से कार्य जो है प्रारंभ हो गया है। मेरे वीडियो के माध्यम से आप सभी देख सकते हैं कि जो कार्य है वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है, सकते हैं। ये रोपवे प्रोजेक्ट का जो स्टेशन है बीच में, वो कैसे कैसे जाएगा रोपवे, वो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी तेज़ गति से इसका काम है जो हो रहा है, सभी मजदूर ऊपर लगे हुए हैं, जो कि जल्द ही बनकर तैयार होने वाला है। सभी देख सकते हैं अभी यहाँ पे कई सारे काम हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हो सके हैं, लेकिन धीरे धीरे जो काम है ये कंप्लीट होगा, गति में जो होगा, तो जल्द ही आप सभी को खुशखबरी मिलने वाली है। आप सभी बनारस को ऊपर से देख सकेंगे। तो जाम से भी निजात हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे
सभी को घूमने का मौका मिलेगा, काशी को ऊपर से देखने का मौका मिलेगा। आइए आगे चल कर दिखाते हैं आप सभी को। तो ऐसा ही स्टेशन बन के तैयार होने वाला है, तो सामने देख सकते हैं। तो ये है बनारस का जो सब्जी मंडी है, उसी के ठीक सामने एक मंदिर है, उसी के बगल में ये रोपवे का काम चल रहा है। देख सकते हैं वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट का काम जो है काशी विद्यापीठ परिसर में चल रहा है। आसपास की जगहों का देख सकते हैं कैसा हाल है। इसी के बगल में ये रोपवे का प्रोजेक्ट है जो काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। तो ये भारत माता मंदिर के अंदर जो प्रोजेक्ट का काम है काशी विद्यापीठ में पेंट बहुत ही तेज़ी के साथ चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी तेज़ी के साथ निर्माण कार्य हो रहा है यहाँ पे, मधुर लगे हुए फ्रेंड्स। तो ये सामने भारत माता मंदिर है, भारत माता मंदिर परिसर में काम हो रहा है यहाँ पे। चलते हैं सामने भारत माता मंदिर, और इधर पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। पूरा प्रोजेक्ट वाला काम ही है, चलते हैं पूरा। तो इसी भारत माता मंदिर परिसर यानी काशी विद्यापीठ जो विद्यालय है उसी के अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहा है फ्रेंड्स। पूरा देख सकते हैं पूरा परिसर पूरा काम में विलीन हो गया है सब कुछ। ये देखिए ये पूरा काम में पूरा है रोपवे का, भारत माता मंदिर ठीक सामने काम हो रहा है। ये भारत माता मंदिर, यहाँ सुबह सुबह देख सकते हैं भारत माता मंदिर है। ये काशी विद्यापीठ की तरफ से ही प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जा रहा है, यानी गवर्नमेंट से इनको दिया गया है। ये पूरा मंदिर है, इसमें मूर्ति नहीं नक्शे की पूजा होता है, ये पूरा नक्शा है फ्रेंड्स। ये तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सलाम महादेव की सपोर्ट।